हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम ट्राई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड। एकदम ठंडा ठंडा, एकदम प्यारा प्यारा, मजा आ रहा है पीने। इसके में मोटी मलाई डाल के रखी है वो जी, हम तो मजा ही आ गया हमने पी के। होय होय होय, स्वादिष्ट लस्सी का। हम जा रहे हैं सिटी में, बट तो चलो चलते। हाँ तो दोस्तों, लोग बाग इन भैया की कड़ी कचौड़ी के दीवाने हैं। चारों तरफ लोग बाग इन भैया की कड़ी कचौड़ी का मजा ले रहे हैं। हम भी अपनी प्लेट लगवाते हैं भैया से। एक प्लेट लगा दो। क्या खाओगे? ये कड़ी कचौड़ी। ठीक है, देखिए 15 रुपए भैया कड़ी डाल दो, प्याज की बना दो आप। सुबह कितने बजे खुल जाती है आपकी शॉप? सुबह कब खुलती है? 5 बजे, बाकी काम कार्यक्रम चालू करते हैं 7 बजे। काउंटर 7:30 बजे चालू करते हैं। और रात को 8:30 रात तक डाल दो। हाँ डाल दो सर, यारी वाली चटनी डाल दो। हाँ तो दोस्तों, हमने कचौड़ी ले रखी है इन भैया से। ये बहुत मशहूर है, बहुत भीड़ लगा के रखा है। बहुत ही ज़्यादा चटपटा स्वाद है कड़ी का। पूरे पूरे खड़े मसाले अंदर डाल के रखे हैं। बेहतरीन लाजवाब कचौड़ी है। मुँह में जाती कड़ी का स्वाद पूरा पूरा आ रहा है। वो सारे मसाले एकदम बढ़िया से डाल रखे हैं इनने। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन में। मैं एंजॉय करता हूँ जब तक ये। हाँ दोस्तों, कड़ी कचौड़ी वाले के भैया की एकदम भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। हम वहाँ से जा रहे थे तो भीड़ देख के उनके पास गए थे। कड़ी कचौड़ी, और बाप रे बाप, उसका जो स्वाद था क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी था। मेन जादू कर रहा था उसकी कड़ी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी कड़ी थी, एकदम बढ़िया सी कड़ी थी। फ्रेश लग रही थी पीने में भी। भैया की कचौड़ी भी एकदम बढ़िया कचौड़ी थी, मसाले एकदम बढ़िया से डाल रखे थे। ओवरऑल बहुत बढ़िया कचौड़ी थी। थोड़ा मीठा पीने का मन कर रहा है, रबड़ी पिएंगे अब। चलो रबड़ी पीते, एकदम प्यारी सी। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी दूसरी लोकेशन पे, ठंडी ठंडी रबड़ी पीने इन अंकल के पास। ये बहुत ही प्यारी रबड़ी बनाते हैं। चलो लेके स्वाद बताता हूँ कैसा है इनका। बढ़िया बेटा, बढ़िया। ये बादाम वाली है? ये मेरी बादाम वाली। आप तो मेरे को एक रबड़ी वाला ही दे दो आप। हाँ ठंडा ठंडा, एकदम प्यारा प्यारा, मज़ा आ रहा है पीते ही। गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी का स्वाद पूरा पूरा आ रहा है। अंकल की रबड़ी है कि एकदम यक ठंडी है एकदम। पीते एकदम मूड फ्रेश हो गया इसको, एकदम ठंडी ठंडी, बस ऐसा लग रहा है कोई बर्फी खा रहे हैं काजू कतली। हाँ तो अंकल की रबड़ी तो पी ली हमने, बहुत प्यारी रबड़ी है। चलते हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर। दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं पंडित पाव भाजी वाले पे, जो कि लगाते हैं राज मंदिर के एकदम बाहर, जिनकी शॉप है। ये आ गया राज मंदिर, और एकदम पास में ये है पंडित पाव भाजी। हाँ तो दोस्तों, हम बैठे हुए हैं पंडित पाव भाजी वालों के पास, जो कि है राज मंदिर के जस्ट पास में, जयपुर में। इनकी पाव भाजी बहुत ही फेमस है, ट्राई करके हम भी देखते हैं कितनी फेमस है, क्या स्वाद है इसका। पाव भाजी कितने की है? पाव भाजी 150 की है। 150 में क्या है? 150 में अमूल बटर है, और 100 में? 100 में न्यूट्रीलाइट बटर आता है, लोकल बटर हुआ। हमारी पंडित पाव भाजी आ चुकी है, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है स्वाद। इसके अंदर भी स्टफिंग कर रखी है, बटर की खुशबू बढ़िया आ रही है एकदम। तो दोस्तों, बनाते हैं हमारी पहली बाइट। दिखा के देखते हैं।
सिर्फ इसकी ब्रेड खा के देखते हैं पाव, एकदम पाव एकदम सॉफ्ट है इनकी। पाव में भाजी भर रखी है, पाव में थोड़ी थोड़ी भाजी भर रखी है जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ रहा है पाव का, और भाजी में डुबका के तो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ तो दोस्तों हमने पाव भाजी खा ली है, थोड़ा मीठा खा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पीछे पंडित पाव भाजी, हमने उनकी पाव भाजी ट्राई करी। उनके सबसे पहले मैं पाव की बात करूँ तो पाव तो उनका सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, वो बटर लगा के बढ़िया लग रहा था। और उनकी भाजी की बात करूँ तो भाजी में मिर्च मसाले बराबर ही डाल रखे थे ना। पाव भाजी के हिसाब से मतलब तीखा रहता है ना जैसे चटपटा, वैसा उस टाइप से नहीं था, मतलब नॉर्मल था। जैसे अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद है तो आप उस हिसाब से करवा सकते हो भैया से, बाकी उन्होंने तो अपनी तरफ से नहीं दिया था उतना चटपटा। ठीक है दोस्तों, हमने तो ट्राई कर लिया, जाते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। दोस्तों हमने थोड़ा मुंह चटपटा करने के लिए पतासी भी खा लिए, वो भी एक नंबर लगी। हाँ तो दोस्तों हम जा रहे हैं हम लस्सी पीने एकदम ठंडी ठंडी, चलो वहीं पे चल के मिलते हैं आपसे। कितने बजे खुलेगी भैया दुकान सुबह? सुबह 7 बजे। और बंद कब हो जाती है? 8 बजे तक। 8 बजे तक? 8 बजे का टाइम। और आज जल्दी हो गई है? मौसम ऐसे कर रहा है, खराब कर रहा है मौसम ऐसे कर रहा है ये वक्त। हम बाइक खड़ी करके बहुत दूर से पैदल पैदल पीने आए थे, एक गिलास भी मिल जाता। मौसम थोड़ा खराब चल रही है, जमाने नहीं खत्म हो जाता, कोई बात नहीं। हाँ तो दोस्तों हम लस्सी वाले के गए थे लेकिन वहाँ पे तो लस्सी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट एक और लस्सी है फेमस, हम नेक्स्ट लस्सी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं आपसे। दोस्तों वो आपको दिख रहा है ऊपर नारगढ़, जाके अपने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं दूध मिष्ठान भंडार बनी पार्क में, इनकी लस्सी बहुत फेमस है, चलो इनकी लस्सी बनवाते हैं भैया से। लस्सी बनते हुए देखने में भी अलग ही मजा है। डीएमडी की लस्सी जो हमें कुल्लड़ की गिलास में दे रखी है, इसके में मोटी मलाई डाल के रखी है, टेस्ट करके बताते हैं कैसा इसका स्वाद। चेस। पहले बाइट के साथ एकदम मोटी मोटी मलाई मुंह में गई, एकदम ताजा ताजा गाढ़ा गाढ़ा फ्लेवर आ गया उसका। इतने सारे मिश्री डाल के रखिए, कटक कट के आवाज़ है मुँह के अंदर, तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी एकदम ठीक लस्सी है। तो दोस्तों डीएमबी की लस्सी तो एक नंबर है, इसकी जैसी लस्सी तो मैंने कहीं नहीं पी अभी तक। एक वो जरूर थी एमआई रोड पे लेकिन उनके पास थी नहीं, उनकी बंद हो गई थी, बाकी डीएमबी का तो मुकाबला नहीं किसी से। और जी दोस्तों हमारा तो मस्त मूड बन गया है इस लस्सी पी के, एकदम मस्त ठंडा ठंडा दिमाग हो चुका है। ओ जी हम तो मज़ा ही आ गया हमें तो ये पी के, होए 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 स्वाद इस लस्सी का, फुल माहौल बन रहा है इसमें तो, बहुत प्यारी लस्सी। ठीक है दोस्तों लस्सी लास्ट की हमारी, एक नंबर स्वाद था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे हम एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग।